इसराइल और हिजबुल्ला जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में भीषण हवाई हमला किया है। इसराइली सेना का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्ला का ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर मारा गया है। हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसराइली सेना के मुताबिक दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्ला के गढ़ दहिया में हवाई हमला किया गया था, जिसमें हिजबुल्ला का ड्रोन यूनिट का चीफ कमांडर मोहम्मद सरूर मारा गया है। और इसराइल को अच्छी तरह से पता है कि जब तक ईरान हमास और हिजबुल्ला का साथ देता रहेगा तब तक इसराइल जंग नहीं जीत पाएगा। यही वजह है कि इसराइल ने अब ईरान को सीधे धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि चाहे इसराइल हिजबुल्ला पर कितने भी हमले कर ले, जंग तो हिजबुल्ला ही जीतेगा। हिजबुल्ला के साथ अब ईरान भी जंग में उतरने जा रहा है। जंग में उतरा ईरान, जीतेगा तो हिजबुल्ला ही। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जैसे ही ऐलान किया कि इसराइल और हिजबुल्ला की जंग में हिजबुल्ला ही जीतेगा, खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान ने सुरंगों में छिपे अपने घातक फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को जंग में उतार दिया है। जरा देखिए हमास और हिजबुल्ला पर हो रहे इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इधर इजरायल यूएन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में यही दावा कर रहा है कि अगर हिजबुल्ला और हमास का सफाया नहीं करा तो 2 साल में इजरायल का वजूद मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। इसराइल के पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है ईरान ही वो मास्टरमाइंड है जिसके दम पर अभी तक हमास इसराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ही वो इस्लामिक मुल्कों की ताकत है जिसके दम पर हिजबुल्ला के लड़ाके अब इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल हमले करने लगे हैं। इजरायली सेना ने इसी खतरे को देखते हुए पिछले 5 दिनों में दक्षिणी लेबनान और लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर हवाई हमले किए हैं। अब तक इजरायली सेना हिजबुल्ला के 1800 ठिकानों को तबाह कर चुकी है, जिसमें 620 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके और लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि ईरान इजरायल में किस तरह से जंग करने जा रहा है और क्यों। मिडिल ईस्ट के 16 मुस्लिम देशों से पंगा लेना इसराइल पर भारी साबित होने जा रहा है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना हिजबुल्ला से अब तक किस तरह की जंग कर रही है। मरते दम तक युद्ध, अब जमीन पर होगा फैसला। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्ला से किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध विराम की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। नेतन्याहू ने लेबनान पर अब जमीनी हमले करने की कसमें खाई हैं। वहीं इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने साफ कहा है कि 21 दिन तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को इसराइल नहीं मान सकता है। इधर इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। सैकड़ों मरकावा टैंक दक्षिणी लेबनान में घुसने जा रहे हैं। F-16 और F-35 जेट से इसराइल बड़े हमले बेरूत पर करने जा रहा है। इसराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। The linkage that Iran decided to do between Hezbollah and Hamas, the linkage that the Iranian regime did between Hezbollah and Hamas, holding the Lebanese people hostage, that's not done. You don't start a war with Israel just because you want to show sympathy for the atrocities of Hamas. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायली हमलों पर भयंकर पलटवार का मन बना लिया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में भरे हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को जंग में उतार दिया है। इजरायल को भी भनक लग चुकी है कि ईरान हिजबुल्ला को बचाने के लिए
इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरान के ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। ईरान की IRGC का साफ कहना है कि वो इसराइल पर ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना इसराइल ने भी नहीं की होगी। پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرفاست. حزب الله نے بچھایا موت کا جال۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو احساس نہیں ہے کہ لبنان میں گھس کر زمینی حملہ کرنا اسرائیلی سینہ پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ بھینکر حملوں کا سامنا کر رہے حزب الله نے اتری اسرائیل پر زبردست حملے کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق اتری اسرائیل پر حزب الله نے 45 سے زیادہ کتیوشا راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ ادھر بھینکر جنگ سے اسرائیل کے اندر بھی کوہرام مچنا شروع ہو گیا ہے۔ لبنانی نیوز سائٹ المیادین نے اسرائیلی اخبار یڈیوت اہرونوت کے حوالے سے ایسا سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے جس نے حزب الله پر اسرائیلی حملوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ इजरायली अखबार यडियोत एहरोनोत में साफ लिखा गया है कि हिजबुल्ला से जंग इसराइल को बहुत भारी पड़ने जा रही है। अगर उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू किया तो इसराइल हिजबुल्ला के बिछाए मौत के जाल में फंस जाएगा। इजरायली अखबार यडियोत एहरोनोत का दावा है ये गोपनीय रिपोर्ट PM नेतन्याहू को भेजी जा चुकी है। ये गोपनीय रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लेबनान की सीमा पर इसराइल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की है। लगभग 50,000 रिजर्व इजरायली सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि इजरायली अखबार यडियोत को शक है कि इजरायली सेना की 98 डिवीजन उत्तरी सीमा की तरफ से हिजबुल्ला पर जमीनी हमले करेगी। את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. ישראלי סנה חוד מנתי היא כי היזבולה כפס 45,000 לדעקה הם, ג'ינמס 20 רדו ורוקטו כי סיריז מוג'וד הם. ג'יסקי סנקיה וושינגטון ממוג'וד וור אקספרטס כמותאבק. 2 लाख तक है। हिजबुल्ला के 2 लाख रॉकेट इसराइल शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों हिजबुल्ला का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इसराइल से लंबी जंग लड़ने को तैयार है। असल में यहूदी देश इसराइल मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसराइल को लगता है कि अगर हमास, हिजबुल्ला, हूती, ईरान, इराक को काबू में कर लिया जाए तो इसराइल का वजूद बचा रहेगा। जरा इसे इस तरह से समझिए, मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इसराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, UAE और यमन है, कुल 14 देश। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है, तो हो गए कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम है, जबकि इकलौता यहूदी देश है इसराइल। यानी अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैली तो इसराइल जंग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा क्या इसराइल एक साथ हिजबुल्ला, हमास, हूती और ईरान से जंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर चुका है जो इसराइल के विनाश का कारण बन सकता है।